पिछले वीडियो में हमने लिस्ट इन एस्टीमेट पढ़ा था, आज हम नेस्टेड लिस्ट पढ़ेंगे। अ लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट इज कॉल्ड द नेस्टेड लिस्ट। यू कैन नेस्ट एन ऑर्डर लिस्ट इज एन अनऑर्डर लिस्ट और वाइस वर्सा। जो नेस्टेड लिस्ट है वो ऑर्डर लिस्ट में भी हो सकती है और अनऑर्डर लिस्ट में भी हो सकती है। एग्जाम्पल टू क्रिएट ए नेस्टेड लिस्ट, यहाँ पर बुक में आपको एग्जाम्पल दिया गया है नेस्टेड लिस्ट का, उसे आप देखेंगे और इसका जो आउटपुट है वो कैसा है। जैसे फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स में जब हमने इसको बुक में आप जो बना हुआ है एचटीएमएल कोडिंग की गई है उसको आप ध्यान से देखें और जो इसका आउटपुट बना गया है, तो फ्रूट्स आउटपुट में फ्रूट्स के नेम आएंगे। हमने लिखा है एप्पल, मैंगो और बनाना, और यहाँ पर फिर एक वेजिटेबल की लिस्ट आएगी और वेजिटेबल्स में पोटैटो, टोमेटो, पोटैटो और टोमेटो आएगा। तो ये आपको बुक में देखना पड़ेगा इसकी जो कोडिंग की गई है ना नेशनल लिस्ट में। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है टेबल्स इन एचटीएमएल। टेबल्स आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डाटा इन रो एंड कॉलम। जो टेबल्स है वो रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज की जाती है, ये आपको मालूम है। अ टेबल हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। टेबल्स के कई कंपोनेंट होते हैं, रो, कॉलम्स और हेडर सेल, ठीक है, ये टेबल्स के कंपोनेंट्स होते हैं। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है टेबल टैग। टेबल टैग टेबल स्टार्टिंग होगा, मतलब जब टेबल्स आप क्रिएट करेंगे तो स्टार्ट में टेबल लिखेंगे, टैग के अंदर फिर उसको क्लोज करेंगे। इट इज द मेन टैग यूज टू क्रिएट टेबल, ये टेबल्स क्रिएट करने के लिए मेन टैग है। फिर टीआर टैग, ये भी स्टार्टिंग होगा और क्लोजिंग होगा। इट इज अ टेबल रो एंड इज यूज टू डिफाइन अ टेबल रो, ये टेबल रो इंसर्ट कराने के लिए होता है। फिर टीडी, इसकी भी स्टार्टिंग होगी और क्लोजिंग होगी। इट इज अ टेबल डाटा एंड इट इज यूज टू स्पेसिफाई द डाटा इन द टेबल सेल। डाटा लिखने के लिए टेबल पे उसके लिए यूज होता है। फिर टीएस टैग, इसका भी स्टार्टिंग टैग होगा और क्लोजिंग टैग होगा। इट इज अ टेबल हेडर एंड इट इज यूज टू स्पेसिफाई द हेडर फॉर ए कॉलम और रो, कॉलम या रो इंसर्ट कराने के लिए होता है। फिर कैप्शन, कैप्शन स्टार्टिंग होगा और क्लोजिंग होगा। इट इज यूज टू स्पेसिफाई द कैप्शन फॉर द टेबल, कैप्शन लिखने के लिए टेबल में, ठीक है। और इसकी भी कोडिंग आपको बुक में मिलेगी, साइड में कोडिंग लिखी हुई है पेज नंबर 64 में। और लिस्ट में एडमिशन नंबर है, कोडिंग में किया गया है, नेम और क्लासेस, उसका आउटपुट भी दिखाया गया है। फिर हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग। एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग, फर्स्ट है अलाइन। इट इज यूज टू स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ द टेबल, ये टेबल्स का अलाइनमेंट देने के लिए होता है। द पॉसिबल वैल्यू और लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, इसमें राइट से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, लेफ्ट से भी और सेंटर से भी। फिर इसके बाद सेकेंड है बीजी कलर। इट इज यूज टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल, मतलब बीजी का मतलब हमने बताया है कि बैकग्राउंड का कलर होगा तो बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। फिर बॉर्डर, इट इज यूज टू स्पेसिफाई द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर, द डिफॉल्ट वैल्यू जीरो। बॉर्डर टेबल की सेट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है जीरो होती है। बॉर्डर कलर, इट इज यूज टू स्पेसिफाई बॉर्डर कलर ऑफ द टेबल, इसमें हम कलर दे सकते हैं बॉर्डर का। फिर वैली चेन, इट इज यूज टू स्पेसिफाई द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द डाटा इन द सेट, वर्टिकल अलाइनमेंट दे सकते हैं हम इसमें। तो पॉसिबल वैल्यू और टीओपी, टॉप, बॉटम या मिडिल होती है। फिर लास्ट है हमारा विथ। इट इज यूज टू स्पेसिफाई द विथ ऑफ द टेबल, द वैल्यू कैन बी गिवन इन पिक्सल्स और इन परसेंटेज, इसमें परसेंटेज या पिक्सल्स में वैल्यू पिक्सल्स या परसेंटेज में होती है और हम टेबल्स का विच सेट कर सकते हैं। द एट्रीब्यूट ऑफ टीआर एंड टीडी टैग। एट्रीब्यूट ऑफ टीआर एंड टीडी टैग में पहले हमें अलाइन टैग पढ़ना है। इट इज यूज टू स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ द डाटा इन रो और सेल। फिर सेकेंड है बीजी कलर। इट इज यूज टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ द रो और सेल। फिर बॉर्डर कलर, इट इज यूज टू स्पेसिफाई द बॉर्डर कलर ऑफ रो और सेल। फिर वैलिजिन, इट इज यूज टू स्पेसिफाई द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द डाटा इन रो और सेल। विथ, इट इज यूज टू स्पेसिफाई द विथ ऑफ द सेल। और हाइट, इट इज यूज टू स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द सेल। इसके लिए भी एग्जाम्पल्स आप देखेंगे पेज नंबर 65 में और इसका जो आउटपुट है वो भी दिया गया है, तो आप इसमें दिख लेंगे, बुक में देख लेंगे। और ये आपको जो कोडिंग की गई है
उस कोडिंग को जैसा इसमें दिया है उसी टाइप से जब आप लिखेंगे कंप्यूटर में तो इसका जो आउटपुट दिया है उसी टाइप से हमें मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपरलिंक पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।